दोस्तों, पहले लोग किसी तरह की खरीदारी करने के लिए या लेन देन करने के लिए खास धातु का उपयोग करते थे। फिर सिक्के और कागज के नोट का उपयोग किए जाने लगा, जो आज भी जारी है। लेकिन भविष्य में आपको शायद ही कहीं सिक्के या नोट देखने को मिले, क्योंकि लेन देन करने के लिए अब लोग डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के समय में सभी काम डिजिटल तरीके से ही हो रहा है और डिजिटली ही हम पैसों का लेन देन भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करते हैं तो आपको एमपिन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम अपने बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर को कनेक्ट करना होता है और फिर मोबाइल बैंकिंग से ट्रांजेक्शन के लिए एमपिन का प्रयोग होता है। दुनिया के साथ भारत में भी काफ़ी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं और इस डिजिटल दुनिया से लेन देन करने का तरीका भी बदल गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एमपिन होता क्या है। तो दोस्तों, एमपिन का फुल फॉर्म होता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आप अपने मोबाइल से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो एमपिन मुख्य रूप से आपके पेमेंट को सिक्योरिटी देता है। एमपिन 4 अंकों का एक सिक्योरिटी कोड होता है, जो कि कुछ बैंकों का 6 अंकों का भी हो सकता है। यह एटीएम के पिन की तरह काम करता है, जिसके बिना मोबाइल बैंकिंग संभव नहीं है। सिर्फ मोबाइल से लेन देन करने के लिए एमपिन का प्रयोग हो सकता है। अब बात आती है कि इसे प्राप्त कैसे करें। दोस्तों, अगर आप एमपिन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आप अपने बैंक में जाकर अपनी यूज़र आईडी और एमपिन को बैंक अधिकारी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप कोई यूपीआई ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करते हैं तो आप उसमें खुद का एमपिन बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि एमपिन का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है और ये क्यों जरूरी है। तो बताते हैं दोस्तों आपको कि अगर आप मोबाइल का प्रयोग करके कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए एमपिन बहुत ज़रूरी है। इसका प्रयोग कई तरह के ट्रांजेक्शन जैसे मोबाइल बैंकिंग ऐप, एसएमएस बैंकिंग, यूएसएसडी बैंकिंग, यूपीआई ऐप, आईवीआर, आईएमपीएस आदि प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें करने के लिए एमपिन बहुत ज़रूरी है। एमपिन किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, एमपिन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि मोबाइल बैंकिंग को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले आवेदक के उस फ़ोन नंबर को टू वे ऑथेंटिफिकेशन किया जाता है, जो आवेदक के बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। उसके बाद आवेदक को एमपिन मिलता है, जिससे अकाउंट की सेफ्टी बढ़ जाती है। अगर एमपिन के बिना ट्रांजेक्शन हो तो सेफ्टी बिल्कुल नहीं रहती। इससे आप समझ सकते हैं कि मोबाइल ट्रांजेक्शन में एमपिन की कितनी बड़ी भूमिका है। अब बात आती है कि एमपिन को प्राप्त कैसे करें। तो आपको बता दें कि अगर आप किसी तरह के मोबाइल बैंकिंग ऐप का प्रयोग करके एमपिन प्राप्त करते हैं तो यह आसान होता है और सिक्योर भी होता है। लेकिन एमपिन को प्राप्त करने का एक जरिया और भी है दोस्तों, जिसका नाम है यूएसएसडी। अगर आप यूएसएसडी के माध्यम से एमपिन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो हम आपको अपने इस वीडियो में बता रहे हैं। आप एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल से सीधा एमपिन प्राप्त करने के लिए आपको *99# डायल करना होगा। उसके बाद यूएसएसडी सेवा शुरू होते ही इसे अपने बैंक से लिंक कर दें। लिंक करने के लिए अपने बैंक के आईएफएससी कोड के 4 नंबर डालें और बैंक के नाम के 3 अक्षर डालें और सेंड कर दें। उसके बाद नया मेनू खुल जाएगा और आपको 7 टाइप करके सेंड करना होगा। फिर एमपिन बनाने के लिए 1 नंबर सेंड करें। उसके बाद आपको 4 या 6 अंकों का कोई पिन सोचकर डन कर देना होगा, फिर आपका एमपिन बन जाएगा। यहीं से आप अपना एमपिन बदल भी सकते हैं दोस्तों, एमपिन एक सेंसिटिव कोड होता है, जिसे सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा
अकाउंट है तो सबका एम पिन अलग अलग प्रयोग करें। उससे होगा ये कि अगर बाई चांस आपका कोई अकाउंट हैक हो जाता है तो आपका बाकी के अकाउंट सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि आपने सारे बैंक अकाउंट के एम पिन अलग अलग कर रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आपका एक अकाउंट हो लेकिन बाकी के आपके अकाउंट सिक्योर हो जाएंगे। यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों। और हमेशा कोशिश ये करें कि एम पिन को अगर हो सके तो याद कर लें।